भसीन साहब नमस्कार। मतलब आपका कन्विक्शन जो है सर ना, मतलब ऐसा लगता है कि कई बार आप जब ऑन एयर आते होंगे तो मंदी वाले ना कान में उंगली डाल के बैठ जाते होंगे। लेकिन ये बताइए सर, शेयर क्या होगा आज के लिए? कहां पर आपका कन्विक्शन है? अब मैं कहना भूल गया अभिषेक, आपको देखना चाहिए, आप तो मूर्ति हो स्थिरता की, और हमेशा ही आप एटलीस्ट स्माइल तो करते हो, मंदी तेजी तो आती रहेगी, लेकिन अगर माल ही नहीं है तो मैं कमाऊंगा कैसे। तो दूसरी बात यह है, कन्विक्शन रखना सबसे जरूरी है। आई एम बुलिश ऑन इंडिया एज अ पेट्रियॉट एंड एज अ बुल, बिकॉज इंडिया में ही ग्रोथ है, हमें कहां दूसरी जगह दिख रही है। तो आज के दोनों मेरे बैंक शॉर्ट पिक्स है, फेडरल बैंक जो आपको पता है गोल्ड लोन में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक्स, उसका मार्केट शेयर गेन हो रहा है, उसके निम्स हैव बीन द हाईएस्ट, 143.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 47.5 में लीजिए, 160 का टारगेट। दूसरा पीएनबी, पीएनबी के रिजल्ट्स बहुत शानदार थे और मुझे लगता है मिस्टर गोयल ने तो टर्न राउंड कर दिया। मैं प्रियंका को 35-40 रुपए में कहता था और प्रियंका भी उदास होती थी, चल नहीं रहा था, लेकिन जब चला तो रुका नहीं, अब तो ये 85 रुपए जाएगा, और आप स्टॉप लॉस 83 और 85 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 76.50 लग सकते हैं। थर्ड मैं कहूंगा एसडब्ल्यू सोलर, ये मैंने पहले भी कहा है, शेयर ने परफॉर्म किया लेकिन फिर आ गया बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रीजन, एक्सट्रेनियस रीजन ये थे कि उनकी बैंक गारंटी एनकैश हो गई, तो लोकल डेट में जो सर्विसिंग थी उसमें ढील आ गई, उसमें ओरिजिनल प्रमोटर ने इंडेमनिटी दी हुई थी कि दे विल रीपर गिव यू बैक द मनी, उसमें से आधा पैसा आ गया, आधा लेटर आ गई है दैट इन द नेक्स्ट 3 डेज दे विल पे बैक, उससे उनकी लायबिलिटी ऑन दी डेट साइड खत्म होती है, 1,000 करोड़ का डेट अभी भी है फॉर विच दे आर रेजिंग इक्विटी, लेकिन उनके पास $2.5 बिलियन का नाइजीरिया के गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट इन द मेकिंग है, ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया असाइन दैट, वो आपको सिंपल 11-12% की एमईपी पे आप लगाइए क्या बुक बनेगी। पेरेंट ने अभी 1 रुपए का ऑर्डर नहीं दिया जबकि वो 35 गीगावाट की बात कर रहा है, तो ये शेयर अगले 2 साल में 3 गुना भी हो जाए तो मुझे कोई अचंभा नहीं है, 750 रुपए का टारगेट रखिए, होपफुली तो अगले साल नहीं तो उसके बाद, लेकिन ये शेयर होना आपके पोर्टफोलियो में जरूरी है, क्वार्टरली नंबर मत टैग करिए, ये एक हिडन हॉर्स है जो ऐसा घोड़ा चलेगा कि सब रह जाएंगे।